वाहिगुरु जी। आदि गुरे नमः, आदि गुरे नमः, युगाद गुरे नमः, सतगुर ए नमः, सतगुर ए नमः, श्री गुरुदेव ए नमः, दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे, सदा अंग संगे, अभंग अंग विभूते, मगर माहे सुहंदियां, हर पिर संग बैठड़ियां हां, तिनकी शोभा क्या गणी, तिनकी शोभा क्या गणी, ये साहिब मेलड़ियां हां। प्रीत मन लागी है प्रभ मेल देखो, प्रीत मन लागी है प्रभ मेल देखो, प्रीत मन लागी है
प्रभ मिल गए रीस मन लागी है प्रभ मिल गए मन लागी है प्रभ मिल गए प्रभ मिल वे को प्रीत मन लागी पाए लगो मैं करो विनती को संत मिले बट पाती मन अर्कू तन रखू अगे मन की मत मोहे सकल त्यागी जो प्रभु की हर कथा मन दिन फिर दिल पिछे बैरागी कर में अंकर जाप पढ़ो पुरख रसक बैरागी मिटियो अंधेर मिल तुहारना जन्म जन्म की सोई जागी हुंदा पले ही पले दिन आए ने हुंदा पले ही पले दिन आए ने हुंदा पले ही पले दिन आए ने दर्शन पेटे साधु जाते दर्शन पेटे साधु जाते दर्शन पेटे साधु जाते दर्शन पेटे जाते दर्शन पेटे साधु जाते दर्शन जाते दर्शन पेटे जाते दर्शन पेटे साधु जाते दर्शन पेटे साधु जाते दर्शन पेटे जाते दर्शन पेटे साधु जाते दर्शन पेटे पले दिन सोए आए जी जाते दर्शन पेटे साधु पले दिन सोए आए ने जाते दर्शन पेटे साधु पले दिन सोए आए ने जाते दर्शन
भले दिन आए जाते भले दिन सुए आए जाते दर्शन देते जब ते दर्शन पेड़े सारे दिन से आए महायानंद सदा कीर्तन विधाता जब ते दर्शन पेटे साधु पले दिवसियों आए महा आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए। अज मगर महीने दी संग्राम आप संगतां शरदी का भी अज पहला ही दिवस है दिने बुलारे हो दीवान तो तीन चार बजे गए हैं शाम तो किमें अंध तुंद इं लगता सी जिमें जनवरी के दिन होंगे बरखा भी मालक ने पाई है। जब ते दर्शन पेटे साधु पहले दिन से हो आए महा आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए। मगर माहे सुहंदियां महाराज कहिंदे प्रेमियों मगर दे महीने दे अंदर कौन शोभा पाउंदा है हर पिर संग बैठड़िया हा। जिन्हां ने परमेश्वर नाल जिन्हां दा मिलाप हो चुकिया है कहिंदे तिन की शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़ी। असीं हले साधना करदे आं परमेश्वर नूं मिलण वास्ते विचारां पर एक ओह रूहां जिहड़ियां परमेश्वर नूं मिल चुकियां ने मिलियां किवें ने एक ओंकार तों लै के 18-10-20 तक उन्हां भगतां दी बाणी पंचम पातशाह महाराज ने दर्ज कीती है जिहड़े परमेश्वर नूं मिल चुके सी जिहड़े हजे मिले नहीं सी उन्हां दी बाणी नहीं दर्ज कीती मिल चुकियां रूहां दी कीती है। प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया ये लगन कित्थों लगती है किमें लगती है वैसे तो पूर्वले कर्मां दी खेड हुंदी है। उस पुरश दा मन धर्म वाले पासे नूं जांदा है सत्संग वल नूं जांदा है। बाबे फरीद दी माता मरियम मां मत्तां देंदी फरीदे नूं रखी सबर ते शुकर अकीदे नूं हे बच्चा मां मत्तां दे रही है तू इउं कर सबर ते शुकर नूं धारण कर जिन्ना चिर तेरे पले सबर नहीं है ते शुकर नहीं है उन्ना चिर ओ दिल्ली हले दूर है जिथे ते पहुंचना है पर साडा जिहड़ा मन है असीं गल्लां भावें रब नूं मिलण दीआं करदे आं पर मन दे अंदर लोभ रूपी कुकर पौंक रिहा है मैनूं होर मिल जे होर मिल जे होर मिल जे। ये जिहड़ी लालस है पातशाह कहिंदे तृष्णा बुझ जाए किते तृष्णा बिरले ही की बूझी है लाख करोड़े मन नहीं हो रे परे परे ही को लूझी है। तृष्णा बुझी है हर के नाम तृष्णा किन्ना पुरशां दी बुझदी है
जिन्हां ने परमेश्वर का नाम जपया बंदगी कीती है। नहीं तो इंसान भावें किन्ना भी कुछ मालक सानू क्यों ना दे देवे, रज ना कोई जीविया कूड़े प्रवासे, साडे मन दे अंदर कदे रज नहीं आउंदा। रज क्यों नहीं आउंदा? असी आप तो उच्चे वल देखते हैं, नीमे वल नहीं देखते। जिस दिन नीमिया वल देखण लग जांगे, सानू किन्ने सोहने महलां वर्गे मकान मिले ने, रेलवे लाइन ते भी दुनिया टाइम पास कर दी है, बरखा भी हो रही है, सर्दी भी पैनी है, गर्मी भी लंघनी है। जे तू नीमे वल देखे तेरे मन नू कुछ टका आ जे, पर तेरा जिहड़ा देखना है वह आप तो उच्चे वल है। इसे करके तेरे मन दे अंदर जिहड़ा लोभ रूपी कुकर भौंकदा है, ये तृष्णा किन्हां दी माया। छेवें पातशाह महाराज बंदी छोड़ दिवस लंघिया कल, तो उत्थे किवें 52 राजिआं नूं ग्वालियर दे किले चों महाराज ने रिहा करवा के लियांदा, उन्हां दे बंधन तोड़े। और उदों बाद उन्हां नूं आपो अपने करीं तोरिया, उन्हां नूं भी नाम दा रंग चढ़ना सीगा। कोई तृष्णा बुझी है जिन्हां ने प्रभु दा सिमरन कीता है। महाराज कहिंदे एदू बिना कोई होर अपा कोई तरीका नहीं है, जप लै जे तेतों जपिया जांदा है। ओ तृष्णा मिट जांदी है प्रभु दा सिमरन करके, कृष्णा मिट जांदी है प्रभु दा सिमरन करके, कृष्णा मिट जांदी है मिट जाती है प्रभु दा सिमरन करके, कृष्णा मिट जाती है नाम दा सिमरन करके, मिट जाती है जानती है नाम सिमरन करके, कृष्णा मिट जानती है नाम सिमरन करके, नाम सिमरन करके, नाम सिमरन करके, नाम सिमरन करके, नाम सिमरन, नाम सिमरन करके, नाम दा 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 सिमरन, नाम दा सिमरन, नाम दा सिमरन करके, नाम दा सिमरन, नाम दा सिमरन करके, कृष्णा मिट जांदी है नाम दा सिमरन, ओ कृष्णा मिट जांदी है नाम दा सिमरन करके, कृष्णा मिट जांदी है जानती है नाम दा सिमरन करके।
तृष्णा बुझिए हर कै नाम। सानू भी चाहिए जे असी मन की जिहड़ी साडी कल्पना है, जे इस कल्पना नू दूर करना चाहते हैं तो सानू भी परमेश्वर के नाम का, अकाल पुरख के नाम का सिमरन करना चाहिए। वैसे तो सारी वेले सिमरन वास्ते चंगे ने, कदे भी करो, पर जेड़ा ब्रह्म मुहूर्त है, अमृत वेला, सच नाव वड़ियाई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, अमृत वेले उठिया कर जिंद मेरी ए नी, ये संत महाराज बीवी सरी दे अवतार असी कहने। मस्तुआणा साहब उन्होंने आए लोगों नू बोलियां पाउंदे हुंदे सी, लोग उन्होंने कहा तारना पढ़िया करो, तुसी तरम वाले पासे नू लियांदे। तो ऐसी खेड दे अंदर तकरीबन परसों भी हरबिजय सिंह उन्हां दी माता दे भोग ते गुरु दसम पातशाह महाराज का प्रसंग चलता सी दीने कांगड़ दा। उत्थों ही लड़ी जोड़दे दीने कांगड़ बैठ बराड़ा, दस पलांकी कीता सी स्वामी जी दरबार राखदे, एक जाम सबर दा पीता सी, जित दी चिट्ठी मार जिगर विच, औरंगे नू मार गए तन जिगरा बाजा वाले, दा सरवंश कौम तो बार गए। गुरु दसम पातशाह महाराज साबो की तलवंडी जिन्हों दमदमा साहब गुरु की कंशी का बर दिता है, गुरु दसम पातशाह महाराज उत्थे पहुंच जाते हैं। डल राय चौधरी भावे चौधर सी कोले, पर महाराज दशमेश के चरणों के नाल प्रीत बनी है, जिहड़ा प्रेम है ना ये छेती कीते ता बनदा नहीं है। मुलालन स्यो प्रीत बनी, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधव खिंच तड़ी। भाई मनी सिंह उत्थे दो ते नजरां होईयां गुरु दशमेश पातशाह महाराज दियां, बाबा दीप सिंह गुरम और नाल ही भाई मनी सिंह, असी कहने हैं दिवाली बंदी छोड़ दिवस किहड़े वेले तो भाई मनी सिंह गुरु दशमेश पातशाह दे हुंदियां हरिमंदर साहिब दीपमाला हुंदी है, उह तदे ही उह जोड़ मेला ना हो सकिया। संगतां किवें उहनां नूं शहीदी तो ख्याल उत्थे ही साबो की तलवंडी डल राय चौधरी प्रेम बनिया सी महाराज के चरणों के नाल, बेनती की पातशाह कृपा करो इतने दर्शन बख्शो इतने रहो। महाराज कहते डल राय चौधरी तेनू पता है औरंगजेब ने कैसे, महाराज सब कुछ पता है, मैनू कोई परवाह नहीं है, ऐसे भी सूरमे जिन्होंने इतने तक नवा दिती। तो डल राय चौधरी महाराज उत्थे रह पे आसन ला ले, उत्थे जिथे सतगुरु चले जांदे ने बहारां आ जांदियां ने, रोज आउंदा महाराज ने 9 महीने 9 दिन 9 घड़ियां ते 9 पल रहे ने उस जगह ते। सिखां ने किसे वेले बेनती कीती सी महाराज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आदि ग्रंथ कहिंदे सी उदों पोथी परमेश्वर का थान, कृपा करके सानू बाणी दे अर्थ सुनाओ, जिन्ना चिर असी बाणी दे अर्थ नहीं पढ़ांगे बाणी दे अर्थ नहीं सुणांगे। तख्तां ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की कथा हुंदी है और उदों बाद जिन्हें भी नानक सर भी राड़ा साहब भी महापुरशां दे स्थानां ते रोज कथा की प्रपाटी चलती है। सानू चाहिए हुण तां वैसे तो जिहड़ा दरबार च जाके सुनना है इहदा महात्म बहुत ज़्यादा है, पर कई बारी कुछ समय की गल हो जाए
नैट ते कथा पई है संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी महाराज पिंडरां वालियां दी, होर भी बहुत ज्ञानवान पुरशां ने कथा कीतियां ने, सुनिया करो समा लगता है। सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा, तेरा दर्द भी दूर हो जाएगा ते दुख भी दूर हो जाएगा तेरा, पर तू सुनता सही ना, जिन्हां ने सुनिया सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिए, तरत तवल आकाश सुनिए, दीप लो पताल सुनिए, पो न सके काल नानक भगतां सदा विगास सुनिए, दुख पाप का नास। असी सुनिया नहीं है, साडा सिर नहीं दुखनों हटदा, जिन्हां ने सुनिया जिन्हां ने मन गुरु चरणा च पेटा करता है उन्होंने कैसी दशा। सब दुखड़े मिट जांदे जे कोई मन कर पढ़ दे बाणी, दुखड़े मिट जांदे जे कोई मन कर पढ़ दे बाणी, सब दुखड़े मिट जांदे जे कोई मन कर पढ़ दे बाणी, दुखड़े मिट जांदे जे कोई मन कर पढ़ दे, सब दुखड़े मिट जांदे जे कोई मन कर पढ़ दे, दुखड़े मिट जांदे जे कोई मन कर पड़दे पानी, दुखड़े मिट जांदे जे कोई मन कर पड़दे पानी, सब दुखड़े मिट जांदे जे कोई मन कर पड़दे पानी, मिट जांदे जे कोई मन कर पढ़दे पानी, जे कोई मन कर पढ़दे पानी, जे कोई मन कर पढ़दे पानी, जे कोई मन कर पढ़दे, जे कोई मन कर पढ़दे पानी, जे कोई मन कर पढ़दे पानी, जे कोई मन कर पढ़दे पानी, जे कोई मन कर पढ़दे बाणी, कोई मन कर पढ़दे बाणी, मन कर पढ़दे बाणी, मन कर पढ़दे बाणी, मन कर पढ़दे बाणी, दुखड़े मिट जांदे जे कोई मन कर पढ़दा बाणी, सब दुखड़े मिट जांदे मन कर पढ़दा पानी, सब दुखड़े मिट जांदे जे कोई मन कर पढ़दे पानी, सब दुखड़े मिट जांदे जे कोई मन कर पढ़दे, सब दुखड़े मिट जांदे जे कोई मन कर पढ़दे पानी, जिंदगी लंघी साडा मन किथे है, मन तियां विच, मन पुत्रां विच, मन मित्रां विच, मन रिश्तेदारां विच, बदकिस्मती है इस मनुख दी मन गुरु चरणा दे नाल जुड़िया ही नहीं कदे, जे किते मन गुरु चरणा च जुड़ जांदा, जे किते मन बाणी विच जुड़ जांदा, किते मन अशांत रह जांदा, गुरु शांति दा समुंदर है सतगुरु दया निध महिमा अगाध बोध,
नमो 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 नेत 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 है, उनु बार बार नमस्कार है। पर असी संसार दे नाल जुड़े हैं, किते सतगुरु की कृपा हो जाए। अरदास करिया करो, हे पातशाह मेहर कर दियो, जे तू तुठा कृपा निधान, ना दूजा बेखाल एहा पाई मूं दातड़ी नित हिरदे। जेड़े बाणी पढ़न लग जांदे ने, जिन्हां दे मन दे अंदर नाम बसन लग जांदा, पहली गल है उन्हां दी निशानी, उन्हां नूं कोई बुरा ही नहीं लगता। बोलो सतनाम। ओ नामदेव वर्गियां नूं कुकरां शुकरां दे अंदर भी रब दींदा सी, सानूं बाणी पढ़न वाले भी ठग दिसदे ने। बोलो सतनाम। साडी दशा कित्थे खड़ गई, साडी सुरत कित्थे खड़ गई। बस सजणो सुरत दी ओ गल है। अरदास करिया करो, हे वाहिगुरू मैनू वो नेत्र बख्श दो जिहदे नाल मैं तैनू ते तेरे प्यारियां नूं देख सकां, कितें जीवन दे अंदर कोई बेअदबी ना हो जाए। गुरु दसम पातशाह महाराज डल राय चौधरी उत्थे फिर तीर मलियां को गुरु ग्रंथ साहिब दा सरूप, वो कहिंदे जे आपदे आप नूं गुरु कहाउंदा आप रच लवे। महाराज कहिंदे कोई गल नहीं है। उत्थे फिर ऐसी ताकत शक्ति गुरु दसम पातशाह महाराज बाणी अचारदे ने अमृत वेले, तीए पहर उहदी कथा हुंदी है। प्रेमियों जीवन दे अंदर ना संत बाबा हरि सिंह जी महाराज रंधावे वालिया ने गुरु ग्रंथ साहब का टीका किया है, क्योंकि पहला भी होए ने। जिमें समुद्र के अंदर गोता ला के जिनी वस्तु है कोई ले आउंदा, इहदा अंत नहीं है, कोई पारावार नहीं है। वो जीवन के अंदर कितने आप बैठ के गुरु ग्रंथ साहब की कथा नूं पढ़िया करो, फिर सानू पता लगता है भी बाणी कह की रही है ते असी कर की रहे हैं। असी कुछ ना पढ़िया ना सुनिया, जिरियाबाजी के अंदर साडा जीवन लंघ जांदा है। जिन्हां दे हिरदे च बाणी दा एक भी अखर बस जांदा है, उत्थे डल राय चौधरी सेवा करदे दिन पर रात। महाराज शाम नूं सोधर रहरास तो पहला संध्या समय तीए पहर कथा करदे ने। वो ऐसी कथा उत्थे फिर डल राय चौधरी वो भी सुनदा है, कदे कदे आके कहिंदे शहनशाह जद तुहाडे ते आनंदपुर साहिब नूं घेरा पिया सी ना, जे किते तुसी मैनू याद कर लैंदे उस वेले, मैं तुहानू आपां औरंगजेब दीआं फौजां नूं भजा देना सी। महाराज तुहानू किला ना छड़ना पैंदा। कई बार ये जिहड़ा इंसान है ना, ये महापुरशां नू गुरु पीरां नू आपदे वर्गे समझण लग जांदा है। ओ तां परमेश्वर दी रजा चो तां मैं हूं परम पुरख को दासा देखन आयो, जगत तमाशा ओ तां आई ये कुछ करन वास्ते ने। किहड़ा बच्चा जिहड़ा नीहां विच चिणिया जा सकदा है, वह गुरु दशमेश दे फरजंद ने, वो उन्हां दे साहिबजादे ने जिहड़े कहिंदे ने मेरी चपणी पांदे नीहां खालसे पंथ दीआं पक्कीआं करके फतेह सिंह चलिया। इह पन्नी होई इट नहीं लगनी चाहीदी, वो तां जोतां आईआं सी निरंकार दे देश चों कोई, उन्हां नूं नमस्कार ही बणे आउंदी है। तो डल राय चौधरी महाराज तुसी मैनू सद लैंदे, कोई संदेश भेज दिंदे। महाराज कहिंदे डल राय चौधरी उस समय ही ऐसा सी, मैनू मेरे नाल दे सिंह जवाब दे गए महा सिंह वर्गे, किसी ने कित्थे आउणा सी। 40 सिंह मझैल जदों मेरे गुरां तों मुखड़ा मोड़ गए, अपनी जान बचावन खातर धर्म का नाता तोड़ गए।
ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਜਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹਾ ਡਲ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੇ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜੰਗ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, 40 ਸਿੰਘ ਸੀ ਕੇਵਲ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਬਿਜਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਾਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਡਲ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਟਾ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡਲ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਚੰਗੇ, ਮੈਂ ਰਾਈਫਲ ਪਰਖਣੀ ਹੈ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ, ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਡਲ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਪਰਖਣੀ ਹੈ ਰਾਈਫਲ, ਕੋਈ ਐਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਨਾ ਸੂਰਬੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਐਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਗੋਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰ, ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆਪ ਮਰੇ ਜੱਗ ਪੜ ਲਓ, ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਐਂ ਮੂੰਹ ਲਮਕਾਈ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ ਸ਼ਰਨ ਪਰੀਜੈ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ ਸੁਣ ਮੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਇਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰਜੀਓ ਪਾਈਐ। ਮਾਣ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਨ ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਜਿਤਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਤਾਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਲ ਨਾ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਦੇ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਨੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਉਰੇ ਹੀ ਰੁਕਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਆ ਲੈ ਜਾ ਮੁੰਦਰੀ, ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੱਥਰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਹੈ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿਤਾਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਨੀਵੀਂ ਪੈ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਟਾ ਮੰਗਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੰਦਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪਕੜੀਆਂ ਟੋਏ 'ਚ ਸਿੜਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਹੈ, ਕਦਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਬੇਕਦਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਕ ਲੈ। ਜਦ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਦਫ਼ਾ ਰਾਮ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਯੁੱਗ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕਦਾ। ਆਹ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਯੁਗ ਵੇਲੇ 52 ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਉਹ ਲੋੜ ਸੀ 33 'ਚ ਰਾਮ ਜੀ, ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਤਾਰਨੇ, ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਤਾਰਨੇ। Oh, yeah.
जग तार मेनू बाबा जग तार मेनू जग तार मेनू बाबा जग तार मेनू ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਹਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਹਿਆ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਨੀਵੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਡਲ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਨੀਵੀ ਪਾਈ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज मेरे सिपाही कहते ने जंग विच जूझ के मर जाइए कल दी बजाए अज मर जाइए हुणे ही मर जाइए पर इउं सामने खड़ के गोली नहीं खा हुंदी। महाराज राइफल आ गुगियां गिटारां ते परख लो। महाराज कहिंदे जे लोड़ पै गई जंग दा समा बन गया लड़ना इंसानां नाल है कि गुगियां गिटारां नाल लड़ना है। ਨੀਵੀਂ ਪੈ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਾ ਸਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਈਫਲ ਪਰਖਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੋਨੇ ਹੀ ਭੱਜ ਲਏ। ਆਹ ਜਦ ਭੱਜੇ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ महाराज तुहाड़ा हुक्म पहला मैं सुनिया है। वो कह नहीं महाराज तुहाड़ा हुक्म पहला मैं सुनिया है। कैसी खेड है। हो जामा कुर्बान दाता तेरे बचना ते हो जामा कुर्बान दाता तेरे बचना ते हो जामा कुर्बान दाता तेरे बचना ते हो जामा कुर्बान दाता तेरे तेरे बचना से हो जामा कुर्बान दाता तेरे बचना से हो जामा कुर्बान दाता बचना से हो जामा कुर्बान दाता तेरे तेरे दर्श दी लोड़ है मैनू 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 पापी देख बिछोड़ न 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 मैनू हो जामा कुर्बान दाता तेरे बचना से हो जामा
का तेरे बचना है। हो जा महान दाता तेरे बचना सेवा, हो जा महान दाता तेरे बचना। हे दाता जिहड़ा तुहाडी रसना तो बचन निकल गया मैं उते कुरबान हो जावां, मेरे ते कृपा कर दे पातशाह। तुहाडा बचन पहला मैं सुनिया, तुहाडा हुक्मनामा पहला मैं सुनिया। दूजा कहिंदे नहीं पातशाह पहला मैं सुनिया। दशमेश डल रहे चौधरी कदे दशमेश वल देखदे, कदे भाई तीर सिंह दे भाई वीर सिंह वल देखदे। तो उस वेले ऐसी खेड दे अंदर पातशाह कहिंदे दोनों ही खड़ जाओ, दोनों ही खड़ा ले। कदे आए नू पातशाह राइफल करदे ने, कदे आए नू करदे ने, ओ तो मूहरे हो रहा है, ओ तो मूहरे हो रहा है। आहा जेडे आशक ने जेडे शरीर दी हद तो परे हो गए, उन्होंने कहा कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने पता भी असी मरण तो बाद जाना कित्थे है। जिन्होंने वो जगह देख ली, अठे पहर महल विच चानण, उन्होंने अंदर केड़ा प्रकाश होया पिया है। अठे पहर महल विच चानण जगन प्रेम दे दीवे जी, अठे पहर महल विच चानण जगन प्रेम दे दीवे जी, अठे पहर जगन विच चानण जगन प्रेम दे दीवे जी, अठे पहर जगन विच चानण जगन प्रेम दे दीवे जी, अठे पहर जगत बिच चानण जगन प्रेम दे दीवे जी, अठे पहर जगत बिच चानण जगन प्रेम दे दीवे जी, जगन प्रेम दे दीवे जी, जगन प्रेम दे दीवे जी, जगन दे दीवे जी, जगन प्रेम दे दीवे जी, प्रेम दे जगन प्रेम दे दीवे जी, 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 अठे पहर महल विच चानण जगन प्रेम दे दीवे जी, अठे पहर महल विच चानण जगन प्रेम दे दीवे जी, अठे पहर जगन प्रेम दे दीवे जी, अठे पैर विच चानण जगन प्रेम दे दीवे जी, अठे पैर महल विच चानण उन्होंने अंदर प्रकाश खुल गया है। उन्होंने जगन प्रेम दे दीवे सामने पातशाह कदे आए राइफल दा मुख करदे ने, कदे इधर नूं ओ तो मूरे, ओ तो मूरे देखे आशक सूली चढ़दे 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 करन मखौला मरनो मूल न डरदे। उन्होंने मंजिल केड़ी है? पातशाह दे चरणां च महाराज ने हवाई फायर कर दिता, दोनों बुगल विच लै लिया। ए भाई तीर सिंह भाई वीर सिंह तुहाडियां भी यादगारां लगिया करनगियां इत्थे, ठीक है मैं जान लई चाहे ना लई, पर तुसी शहीदी भी पाई है उन्होंने। तो ऐसी खेड दे अंदर ओ भाई तीर सिंह भाई वीर सिंह, फिर महाराज कहिंदे डल रहे चौधरी इन्हां सिंघां दे नाल मैं
आनंदपुर साहब के किले के अंदर जंग किया है, तेरे सिपाही कितने खड़ सकते सी जे मैं भेज भी संदेश दंदा। काफ़ी समा बीतिया, पता लगया भी महाराज ने हुण थोड़े जे समय में चले जाना है, गुरु ग्रंथ साहब की कथा संपूर्ण होनी है। कहिंदा महाराज किरपा करके मैनू जिवें मैं हुण कोले बैठा, मैनू सचखंड के अंदर भी तू दरगाह का मालिक है, मैनू कोले बिठा लिया। गुरु दशमेश पातशाह कहिंदे प्रेम अपनी जगह, उई कह देना हाँ असी सांभांगे, ये नहीं गल है। कहिंदे गुरु तारन कीते तो बिना डल रहे चौधरी, जिन्ना चिर अमृत नहीं ना छकदा उन्ना चिर सचखंड के अंदर एंट्री नहीं है, उन्ना चिर जा नहीं सकता। हुणे नींददार सिंगो शस्त्र ते केसा बजो, हुणे नींददार सिंगो शस्त्र ते केसा बजो, हुणे नींददार सिंगो शस्त्र ते केसा बजो, हुणे नींददार सिंगो शस्त्र ते केसा, हुणे नींददार सिंगो शास्त्र ते केसा बाजो, शास्त्र ते केसा बाजो, शास्त्र ते केसा बाजो, शास्त्र ते केसा, शास्त्र ते केसा बाजो, शास्त्र ते केसा बाजो, हाँ शास्त्र ते केसा, शास्त्र ते केसा बाजो, शास्त्र ते केसा बाजो, शास्त्र ते केसा बाजो, शास्त्र ते केसा बाजो, शास्त्र ते केसा, हुणे नींददार सिंगो शास्त्र ते केसा बाजो, हुणे नींददार सिंगो शास्त्र ते केसा बाजो, हुणे नींददार सिंगो शास्त्र ते केसा बाजो, हुणे नींददार सिंगो शास्त्र ते केसा, हुणे नींददार सिंगो शास्त्र ते केसा, शास्त्र ते केसा। ए सिंगो शास्त्र ते केसं, बिना शास्त्र केसं न देहों दिदारे, जिन्ना चिर गुरु नहीं धारण करता। हर एक इंसान का आपो अपना मत हुंदा, असीं सिख धर्म की गल करदे हां, कोई हिंदू भरा ने अपने मत के अंदर कोई उन्हां ते नहीं टीका टिप्पणी, कोई सिखी किसी ने धक्के नाल थोपण वाली गल नहीं हुंदी है, तो ऐसी खेड के अंदर। पर सानू गुरु कलगीधर का की हुक्म है, जे असीं हुक्म नहीं मनदे तो की बनेगा साडा। फिर एक दिन गल्लां बातां कई दफा इन्हें बेनती करी, महाराज ने लै गए रेता ही रेता, अज भी उत्थे रेता ही रेता है, हुण हरियावल होई है। दशमेश पातशाह जिन्हां नूं भविखत उन्हां दा बनाया ही बनिया होया भविखत कहण लगे, तही दुर्गा साज के दंतां दा नाश कराया। तो ऐसी खेड दे अंदर गुरु दसम पातशाह महाराज कहिंदे डलिया और देख किमें नदियां बग रही ने, किमें अंब ते अनार लगे ने। कहिंदे पातशाह तुप करके रेता चमकदा है, इत्थे तां अक लगे ने, रिंड लगे ने, कौन जान सकदा है। ए डल राय चौधरी
विश्वास बहुत औखा आउंदा है। देख डलिया किवें बग दियां नदियां, देख डलिया किवें बग दियां नदियां, देख डलिया किवें बग दियां नदियां, देख डलिया किवें बग दियां, देख डलिया किवें बग दियां नदियां। अंब ते अनार लगे, अंब ते अनार ने, अंब ते अनार लगे, अंब ते अनार ने, अंब ते अनार लगे, अंब ते अनार ने, अंब ते अनार लगे, अंब ते अनार, अंब ते अनार लगे, अंब ते अनार ने, अंब ते अनार, अंब ते अनार। देख डलिया किवें बग दियां नदियां, देख डलिया किवें बग दियां नदियां, देख डलिया किवें बग देख डलिया किमें बगदियां ने नदियां। कहंदे महाराज उह तां करीरां दे बूटे ने, नदियां कित्थे रेत है। महाराज कहंदे जे सत वचन कह दिंदा हुणे ही चला दिंदे बोलो सतनाम। पर तेरे मुखों डल रहे चौधरी सत वचन निकलिया नहीं है। वचन हुण साडा भी अंथा नहीं जाना, कोई समा पऊगा। इत्थे अंब ते अनार लगिया करनगे, अज लगे ने बोलो सतनाम। गुरु पीरां दा जिहड़ा वचन हुंदा है तो डल रहे चौधरी। फिर एक दिन महाराज मैनू पीड़े जिनी थां दरगाह जाप दे कोल दे दिओ। महाराज कहिंदे डल रहे चौधरी लारा लाउणा किसे नूं चंगा नहीं हुंदा, कोई संसारी बंदा ला देवे ला देवे। मैनू मालक ने कोई ताकत दे के भेजिया है, उत्थे एंट्री है नहीं बिना गुरु तारण कीते तो बिना। महाराज तुसी मेरे गुरु ही, कहिंदे आए गल्ली बाती थोड़ी, साडा मार्ग जेड़ा है तू अमृत छक गुरु का सिंह बन जा। आहा, जद बतावां गईयां ने ना माता जीतो जी तो पहले ही सचखंड चले गए सी माता साहिब देवां ते सुंदरी जी। कहिंदे साबो की तलवंडी महाराज, सारी संगत बैठी है चारे लाल नजर नहीं आउंदे, दस बाजां वालिया किथे गए। महाराज कहंदे इन पुत्रन साडे वल हथ करके कहै, इन पुत्रन के शीस पर बार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। ये अमृत किथों आया, ये अरशां तो अमृत आया। काते तेरे भाग माड़े ने, किन्नियां विसाखियां लांघियां, किन्ने गुरपुरब लांघे, ये तैयार किने कीता। अरशां तो अमृत आया, कलगी तार आप ले आया, अरशां तो अमृत आया, कलगी तार आप ले आया, अरशां तो अमृत आया, आप ले आया, हर सां तो अमृत आया, कल की तार आप ले आया, हर सां तो अमृत आया, कल की तार आप ले आया, हर सां तो अमृत आया, कल की तार आप ले आया। सिखा तू पींदा क्यों नी, पीले 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 सिखा तू पींदा क्यों नी, पीले पीले पीले
अमृत नू पीवन वाले वेखे चरखड़ी चढ़दे इस अमृत नू पीवन वाले वेखे चरखड़ी चढ़दे इस अमृत नू पीवन वाले वेखे चरखड़ी चढ़दे इस अमृत नू पीवन वाले वेखे अमृत नू पीवन वाले देख चरखड़ी चढ़दे अमृत नू पीवन वाले देख चरखड़ी चढ़दे इस अमृत नू पीवन वाले बिना शीस तो लड़दे इस अमृत नू पीवन वाले बिना शीस तो लड़दे इस अमृत पीवन वाले बिना शीस तो लड़दे अमृत नू पीवन वाले बिना शीस तो लड़दे इस अमृत नू पीवन वाले बिना शीस तो लड़दे ऐ सिखा तू अमृत पींदा क्या होना तो उस वेले महाराज कहन लगे कहंदे जी ने अमृत छक लिया है ना ऐ सहबदेव ऐ सुंदरी तुसी पुछदी हो सहबजादे किथे ने समा भी पौने नूं होण वाले हो गए ये किहड़ा समय रोज रोज मिलदे ने ऐ सहबदेव ऐ सुंदरी किहड़ा दर्जा दित्ता जिहड़ा अमृत छक लैंदा है ਓਏ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਹੁਲ ਪੀਵੇ ਖੰਡੇ ਤਾਰਦੀ ਓਏ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਹੁਲ ਪੀਵੇ ਖੰਡੇ ਤਾਰਦੀ ਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਹੁਲ ਪੀਵੇ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਬਣ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਦੀ ਪਹੁਲ ਪੀ ਲਵੇ
एडा प्रताप तू क्यों नहीं इस मान नूं प्राप्त करदा। तू ऐसी खेड दे अंदर फिर डल राय चौधरी उत्थे महाराज ने अमृत पान कराया, अमृत छकिया, अमृत छक के त्यार वर त्यार सिंह बन के दशमेश दे सामने आ गया। कहन लग्या महाराज हुण मैनू दे दोगे पीड़े जिन्ना थां। महाराज कहिंदे चाहे मंजा डाली भाई डल सिंह। डले चौधरी तो भाई डला सिंह बना दिता है। कहिंदे हुण तू तां दिन दिन किन्ना प्रेम है गुरु के अंदर सिख प्रति। अतारना पड़ो जुगा दनान साहेब ऐ डल रहे चौधरी मसाएं दरगाह च असी खड़े होवांगे उत्थे। उम्र सुहावा तेरी तू तां दिन दिन चढ़े समाया। उम्र सुहावा तेरी तू तां दिन दिन चढ़े समाया। उम्र सुहावा तेरी 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 तू तो दिन दिन चढ़े समाया। ओई उम्र सुहावा तेरी तू तो दिन दिन चढ़े समाया। सुहावा तेरी दिन दिन चढ़े सवाया। उम्र सुहावा तेरी दिन दिन चढ़े सवाया। उस दिन दिन चढ़े सवाया। उस दिन दिन चढ़े सवाया। उम्र सहाबा तेरी तू तां दिन दिन चढ़े सवाया। डल रहे चौधरी जेडे अमृत छक के बाणी पढ़ते ने सिमरन करते ने नाम दे देश विच जिन्हां दी सुरत जान लग जाती है बैठिया करो बाणी ज्यादा तो ज्यादा पढ़िया करो। सिमरन वाधू दियां गल्लां बाद काट जिंदगी लंघन वाली होगी इन्हां चों मिलिया की है हुण तक। ज्यादा तो ज्यादा सिमरन करो किरत भी करो एक घंटा सुबह एक शाम जरूर परमेश्वर दे प्रण कढ़िया करो। हर संगरांद नूं प्रेमियां दी वारी हुंदी है। ऐतकी भाई जगीत सिंह गुणा दी जगी कहने असीं प्रेम नाल तो महाराज ने बड़ी कृपा कीती। हर महीने ये भी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान साहब उन्हों का बहुत वड्डा उपराला है। हर महीने नवे तो नवे प्रचारक बुला के उन्हों तो कथा कीर्तन द्वारा बहुत शलाघा योग कदम है। हुण गुरपुरब का वो तीन दीवान आपनों पता ही है समा महाराज कृपा करन भी सत्त तो साढ़े अठ दी रहे पर कई बार खेड उत्ते दी लंघ जाती है। तो आओ संत महाराणा साहब अठ अठ घंटे कीर्तन करते रहे ने अठ अठ घंटे बोलो सतनाम। कोई ऐसा रस बनया हो
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨਵਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਆੜ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹ। ਸਾਰੀ ਉਹ ਰਾਤ ਤੋਂ ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੱਸ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਰੋ ਯਤਨ, ਜੇ ਹੋਏ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੱਠ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੱਠ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਧਿਆਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਮਨ ਬਜੀਆਂ ਬਦਾ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਕਰੋ ਕਾਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਾਰਣਾ, ਸਭ ਮੰਗਲਾਂ ਸੁਣ ਰੱਤ ਸੁਆਮੀ ਤੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤੋਂ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ, ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਾਜ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਬਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਕਹੀ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸੰਤ ਪਾ ਕੇ ਸੰਤ ਵਾਜਿਤ ਕਲਦਾਰਿਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਦ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਾਰ ਪਾਇਆ ਤੁਦ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਬਟ ਪਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ, ਗੁਰੂ ਸੰਤਾ ਸਤੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਕਰਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਦਰਸ ਮਹਾਤ, ਇਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਗਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਾਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਦੂਰ, ਧਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੇ ਕੇ ਗਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਖਲੂ ਜਲੇ ਕੀਤੀ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।